अप्रैल के डिजास्टर के बाद मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो आपने एक व्यू ये लिया था कि यहाँ पर अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, वहाँ से स्टॉक्स चलें, और हालांकि नंबर्स और मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक्स नहीं गिर रहे हैं यहाँ पर। आईटी, लार्ज कैप आईटी में खासतौर से अब क्या व्यू बन रहा है जी? अनुज, हमारा हमेशा जो पॉजिटिव रहा है उसका सिंपल दो तीन रीजन है बड़े इंपॉर्टेंट। एक है कि किसी भी इंडस्ट्री में ऐसी हमारी इंडियन कंपनीज हैं जिनकी मोनोपोली ग्लोबल नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में, बिना आईटी के। नंबर टू इज, ये वो कंपनियां हैं जहां पे कैपिटल वापस करती हैं शेयरहोल्डर्स को, आप डायल्यूट नहीं करती हैं, तो कंसिस्टेंटली बायबैक हुआ, डिविडेंड हुआ, आपकी अर्निंग आपको वापस आ रही है, और ये एक कैश जनरेटिंग मशीन है। आपने देखा इनके मार्जिन इतने हाई हैं, ये सीधा आपने बिलिंग किया, आपने पैसा लिया, कोई इन्वेंट्री रिस्क नहीं है, कोई डिफॉल्ट का ज्यादा रिस्क नहीं है, तो उसको मद्दे रहते हुए इससे अच्छी इंडस्ट्री शायद, और मोस्ट क्रिटिकल इंडस्ट्री है दुनिया में, बैंक कहीं नहीं जा सकती है, रिटेल कंपनी कहीं नहीं जा सकती है, और टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, एआई आएगी तो नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। मेरे हिसाब से जब जब करेक्शन हो इनको आप ले लीजिए, अपने पोर्टफोलियो में डाल लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। और बेनिफिट देखिए आप, अगर अनुज जी पिछले 4-5 साल में देखेंगे, बायबैक, डिविडेंड और शेयर प्राइस को देख के, आई थिंक ये बेस्ट सेक्टर रहा है इंडियन इकोनॉमी का, और हमें उम्मीद है अगले 5 सालों में भी ये बेस्ट रहेगा। खासकर गवर्नेंस कोई इश्यू नहीं है, 85-90% पे आउट होता है आपके पास में, कस्टमर अमेरिका में है, रूपी डॉलर का तो पैरिटी नीचे जाना ही जाना है, अपने 70 रुपए से 84 रुपए हो गया, 84 से 100 रुपए हो जाएगा अगले 3-4 साल में, वो बेनिफिट आपको लगातार मिलते आ रहा है। इससे अच्छा स्ट्रक्चर क्या होगा, डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे होती रहेगी, बट लॉन्गर टर्म व्यू लेंगे इससे अच्छा सेट इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए शायद नहीं मिलेगा एज अ ब्लॉक ऑफ द लार्ज आईटी कंपनीज। ओके, अच्छा, बाय द वे, डेल्टा कॉर्प अब डाउन फ्रीज पर, 10% का फ्रीज लगा है यहाँ पर अब इस समय। अजय, कोई व्यू बन रहा है क्या इस स्टॉक पर? क्योंकि एक सर्वाइवल का ही क्लियर कट अब एक रिस्क आ गया, मतलब जितना मार्केट कैप या रेवेन्यू नहीं है उसके 5 या 6 गुना डिमांड, और ऑलमोस्ट हर हफ्ते नया डिमांड नोटिस आ रहा है। इफ आई वाज द ओनर, मैं तो चाबी देता गवर्नमेंट को ले जाके कि भाई आपको ले लीजिए चाबी, रिकवर कर लीजिए, जो करना अपने आप को नोटिस दे लीजिए आप। 21,000 करोड़, इट्स अ जोक दिस, बट यू नो अनुज जी, ये पॉइंट है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द एनी कंपनी इन इंडिया टुडे, व्हेन यू पीपल से कैपेक्स नहीं होता, ये नहीं होता, कि अगर एक तरीके से रेगुलेटरी भाव आता है तो वो कहां तक ले जाता है कंपनी को, आपने देख लिया, अच्छी बड़ी कंपनी थी, कैसीनो चलाती थी गोवा में, उसके साथ में जीएसटी करके, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करके आपने क्या कर दिया। ये एक रिस्क, मजाक में हम ले लें डेल्टा को, बिकॉज बेचारा, बट शेयर होल्डर्स के लिए मजाक नहीं होगा शायद, बट द फैक्ट इज कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये इकोनॉमी के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। ऐसा रिस्क कोई भी कंपनी उठा सकती है, बिकॉज आप रेगुलेशन रिट्रोस्पेक्टिव चेंज करते हैं उसमें कंपनी क्या करेगी, आपने एक व्यू लिया आज की, आपने ये किया है, कल को चेंज हो जाता है तो उसमें आपको डिमांड आती है, भी कंपनी खत्म हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक गवर्नमेंट को सिंपथेटिक व्यू लेना ये चाहिए, इंडस्ट्री चलती रहे, जेन्युइन इश्यूज को पार्क करिए। आपने देखा टेलीकॉम में करके क्या मिला, डुओपोली हो गई है इस सिस्टम में, तो ब्रॉडर देखते हुए इसको विड्रॉ करना चाहिए, इस पर टेम्परेंस लानी चाहिए, और जीएसटी अथॉरिटी को थोड़ा सा सोच समझे काम करना चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी आपने, मुझे समझ नहीं आया कि जीएसटी डिमांड उसकी टर्नओवर से ज्यादा कैसे हो सकती है किसी की, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। वही सबसे बड़ी पहेली है इनफैक्ट इस टाइम की या फिर इस साल की। अच्छा, बैंकों पर आते हैं अजय, गुड मॉर्निंग। स्पेशली सरकारी बैंक, क्योंकि आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही वो फ्राइडे को जो यूबीएस की रिपोर्ट आई तो एक शॉक लगा, और उस रिपोर्ट में ये उल्लेख किया हुआ था कि शायद यहाँ पर हायर डिफॉल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। अब तक के जो नंबर्स हमने देखे हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला था, ये ऐसा क्या पढ़ा जा रहा है जिसको लेकर थोड़ी सी चिंता है, और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उस रिपोर्ट से, और आपका स्टांस सरकारी बैंकों में क्या रहेगा? देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं वो हमेशा शुरू में नहीं नजर आते हैं, 3 से 5 साल के लैग के अंदर में उनका इफेक्ट आता है सिस्टम में। पहली बार आप लोन लेते हैं, पहली कुछ इंस्टॉलमेंट आप जरूर दे देते हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट आप अगर नहीं भी दे पा रहे हैं कहीं और से लोन लेकर देते हैं, बट 2-3 साल के बाद में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, लोअर एम्प्लॉयमेंट है, एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट का खर्चा है, वो सब मिला के जब आता है तो इम्पैक्ट 2-3 साल आता है, तो ये कॉग्निशन हमको लेना चाहिए। प्रॉब्लम अनसिक्योर्ड लोन्स की नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि मिक्स बैंक का चेंज होते जा रहा है लगातार। आपने कॉर्पोरेट लोन तो ऑलमोस्ट, सिक्योर्ड लोन तो ऑलमोस्ट जीरो करते जा रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर में अब फोकस करते जा रहे हैं। रिस्क बहुत रियल है, मैं ये नहीं कहूंगा इमीडिएट रिस्क है, 2 साल बाद ये रिस्क आपको नजर आता आएगा, जैसे मुद्रा लोन देखेंगे वही आएगा रिस्क।
इसमें 2 साल बाद में कुछ बैंकों में बहुत जबरदस्त रिस्क आएगा, और खासकर नेशनलाइज बैंक, बिकॉज उनका कलेक्शन अपैरेटस इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग की जैसे प्राइवेट बैंक का है, कि फ्लेक्सिबिलिटी है, सेटल कर लेते हैं आके आपके साथ में, जो भी हम सुनते हैं मार्केट में कि कलेक्शन एजेंट आता है सेटल करता है वगैरह, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है पीएसयू बैंक के पास में। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो वैल्यूएशन है पीएसयू बैंक की आज भी इतनी लो है कि आई थिंक ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेंगी, और जो भी सरकार आएगी मेरे हिसाब से अब की बार प्राइवेटाइजेशन निश्चित है बैंकों का, बिकॉज अगर ये विंडो में नहीं किया तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से अभी भी स्टेबल है, अभी भी 1-2 साल का विंडो है, और प्राइवेटाइजेशन आएगी, रिटर्न अच्छे आएंगे। तो सेम स्टोरी बाकी पीएसयू में भी है कि अगला जो 5 साल आएगा सरकार का, आई थिंक वो प्राइवेटाइजेशन का आएगा। उस हिसाब से पीएसयू बैंक्स में आई थिंक सेफ्टी है कि आपको 1-2 साल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, 3-4 साल में आएगी, पर तब का तब देखेंगे। तो सेफ्टी डेफिनेटली है। अच्छा, क्योंकि हम पीएसयू बैंकों की बात करें, एक और पीएसयू पॉकेट पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ, ये जीएमडीसी का स्टॉक। आई एम नॉट श्योर आप इंडिविजुअली ट्रैक करते हैं या नहीं, लेकिन 6% के आज के आज गेन्स हैं, और ये स्टॉक नियरली 30% प्लस के रिटर्न्स दिखा चुका है पिछले हफ्ते में, 12 महीनों में तो 206% का इजाफा। ये जो नई रॉयल्टी वाली पॉलिसी आई है कि लिथियम माइनिंग जब आप करेंगे उस पर अब कम रॉयल्टी देनी पड़ेगी, ये स्पेशली कमर्शियल माइनिंग के लिए, ये जीएमडीसी और बाकी पीयर्स के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर रह सकती है, और स्टॉक्स में क्या अभी भी मौका है पोजीशन रखने का या फिर हो गया खेल? देखिए, हमारी होल्डिंग है तो डिस्क्लोजर के लिए कहते हैं कि हमारी होल्डिंग है, तो इसलिए पॉजिटिव इंटेंट होगी तभी होल्डिंग है। यू नो, लिथियम तो खैर बहुत बाद में आएगी स्टोरी, उसकी जब खुलेगी 3-5 साल के बाद में। आई थिंक द रियल स्टोरी जैसे जीएमडीसी वगैरह में, एक तो रिकवरी ऑफ प्राइसेस, और दूसरा है कि जो गुजरात गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि आप मिनिमम डिविडेंड हमको 30-40% या कैश फ्लो का डिविडेंड देंगे, आप हमको री इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आई थिंक उसको देखते हुए जब ये पॉलिसी आई थी 6 महीने पहले, तो कई निवेशक ने इन्वेस्ट किया था, हमने भी किया था इन्वेस्ट। आई थिंक ये वो लेटेंट रिकवरी है, जैसे आपने एनएमडीसी में देखा मेटल प्राइसेस रिकवर करी है और डिविडेंड के ग्रोथ के ऊपर में स्टोरी बन रही है। तो मेरा शायद कहना आपका सही हो सकता है कि लिथियम की स्टोरी पे लोगों ने लिया हो, बट जो हम लोगों ने निवेशक की निवेश किया था वो डिविडेंड की थ्योरी में किया था कि रॉ मटेरियल की जो उनकी मटेरियल प्राइसेस हैं लोस पे हैं, इससे रिकवर करेंगी, और अगर मिनिमम डिविडेंड गारंटीड होगी तो उसके अंदर में आपका काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड मिल जाएगी शेयर प्राइस के अलावा। आई थिंक यही शायद मुझे लगता है यही स्टोरी यहाँ भी चल रही है और यही स्टोरी एनएमडीसी में चल रही है। तो और काफी तगड़ा प्ले देखने को मिला है इन कंपनियों में, जीएमडीसी, एनएमडीसी, इनफैक्ट नालको, जो भी जुड़ा हुआ है इन माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी में, उन सब में अच्छा खासा इजाफा बनता दिखाई दिया है। अच्छा, अब कंजम्पशन थीम पर भी एक राय मैं आपकी लेना चाहूंगी अजय, क्योंकि इस स्पेस को लेकर आप हमेशा से दरअसल काफी वोकल रहे हैं और आपकी तेजी की पोजिशन भी पहले थी। इस फेस्टिव सीजन में ज्यादा कमाल कहाँ पर होगा, क्या वो ऑटो कंपनियां कर दिखाएंगी या फिर जो रियल एस्टेट एंसिलरीज हैं एंड द लाइक्स ऑफ पॉलीकैब, वहां पर कुछ कमाल देखने को मिलेगा जो शायद अर्निंग्स में भी डिलीवर होगा? आई थिंक यू नो, रिटेल में 2 लेग्स हैं बड़े क्लियरली, एक है जो कंपनी जो माल बनाती है, एक है जो कंपनी माल बेचती है। जो माल बेचती वाली रिटेलिंग कंपनी, उस पर तो हमारा स्टैंड काफी दिनों से नेगेटिव रहा है, कंटिन्यू नेगेटिव रहा है। आपने एवेन्यू मार्ट का रिजल्ट भी देख लिया कि क्या निम्न रिजल्ट आया है, उसमें सबसे बड़ी कंपनी ऑफकोर्स रिलायंस है, उसका भी देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा रिलायंस रिटेल का। तो रिटेलिंग में तो हमारा कंसिस्टेंट नेगेटिव है, ट्रेंड सरप्राइज करता है हमेशा, बट वो टाटा की कंपनी है तो उनको अलग रखिए, बट बाकी रिटेलिंग में बिल्कुल ही नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है, आई थिंक ऑटो सरप्राइज करेगा सेल्स में, बट मार्जिन पे आई थिंक डिसअपॉइंट करेगा। जो हम बाजार में इंडिकेशन देख रहे हैं, जो लोअर एंड की मास इकोनॉमी कार्स हैं और जो मीडियम कार्स हैं, डिस्काउंट बहुत जबरदस्त अभी फेस्टिव सीजन के अंदर ही शुरू हो गए हैं डिस्काउंट, तो आप सोच सकते हैं नवरात्र के बाद में इनके डिस्काउंट क्या होंगे। अगर नवरात्र में इतना डिस्काउंट देते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में मार्जिन ऑटो कंपनी तो काफी डिसअपॉइंट करेंगी। बाकी कंज्यूमर कंपनी जो अपनी एमएनसी कंपनियां हैं, आई थिंक वो अपना स्टेडी पाथ पे रहेंगी, बट ये ध्यान रखिएगा कि ऑटो कंपनी शायद, मुझे लग रहा है खासकर कार कंपनी और स्कूटर कंपनी, ये डिसअपॉइंट करेंगी मार्जिन पे आपको अक्टूबर दिसंबर में। तो मार्जिन थोड़े से डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं, वो डिस्काउंट का इंपैक्ट आएगा भले इनके वॉल्यूम्स में पिकअप देखने को मिले।